एक चील बीते 2 दिनों से पेड़ पर उल्टा लटका जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। उसके पैर में चाइनीज धागे की डोर फंसी थी जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को कसती जा रही थी। इसकी खबर पक्षी प्रेमियों को लगी तब शहर के चीरा घोड़ा शमशान रोड में धनबाद का एक अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। नगर निगम की स्काई लिफ्ट, वन विभाग के कर्मचारी और मोहल्ले के लोगों ने 4 घंटों तक अनेक दिक्कतों के बीच चले इस रेस्क्यू में कामयाबी हासिल की। आखिरकार चील ने खुले आसमान में ऊंची परवाज भरी। ये देखकर सबके मुंह से जीत का शोर गूंज गया और खूब तालियां बजी। जान जोखिम में देखकर चील को बचाने वालों को शाबाशियां भी मिली। चीरागोड़ा शमशान रोड के राजेश बेंजामिन के मकान के अहाते में एक लिप्टस का पेड़ है जो करीब 70-80 फीट ऊंचा है। बुधवार को इस पेड़ के बिल्कुल ऊपरी छोर पर एक चील किसी तरह चाइनीज धागे से फंसकर उल्टा लटक गया। गुरुवार की शाम तक वो धागे को तोड़ नहीं पाया। तब स्थानीय लोगों ने पक्षी प्रेमी राणा घोष को मामले की खबर दी। राणा घोष अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। पेड़ की ऊंचाई देखकर उन्हें काम खतरनाक लगा तो उन्होंने धनबाद डीएफओ विकास पालीवाल को फोन कर खबर दी। बताया बिना स्काई लिफ्ट के यहां रेस्क्यू संभव नहीं। तब डीएफओ ने नगर आयुक्त रविराज शर्मा को फोन कर स्काई लिफ्ट वाहन भेजने की दरख्वास्त की। नगर आयुक्त ने तत्काल तेल भरवाकर स्काई लिफ्ट वाहन भेज दिया। अब यहां से असल दिक्कतों का दौर शुरू हुआ। तंग गलियों में स्काई लिफ्ट का पहुंचना ही काफ़ी मुश्किल भरा था, लेकिन वाहन चालक मोहम्मद हुसैन ने मोहल्ले तक गाड़ी तो पहुंचा दी, लेकिन पेड़ तक पहुंचाने के लिए राजेश बेंजामिन के मकान के अंदर उक्त बड़े वाहन को पहुंचाना था। राजेश ने भी पलभर में हामी भर दी, लेकिन उनके मेन गेट में वाहन जाते ही फंस गया। चुड़की सड़क मात्र 10 फीट चौड़ा था, इस कारण वहां जाम लग गया। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने सभी वाहन चालकों को दूसरे मार्ग से जाने की बात कही और खुद सड़क पर खड़े हो गए। इधर फंसे वाहन को रास्ता छोटा पड़ रहा था तो मकान मालिक राजेश ने अपने गेट की दीवार ही तोड़ डाली और वाहन के पेड़ तक पहुंचने के लिए रास्ता बनवा दिया। स्काई लिफ्ट की क्षमता 50 फीट की ऊंचाई तक जाने की थी, लेकिन पेड़ में जहां चील फंसा था उसकी ऊंचाई करीब 75 से 80 फीट हो गई, यानी अब भी लगभग 30 फीट की कमी थी। तब एक बांस खोजा गया और उसमें रॉड लगाकर ये कमी पूरी की गई। 4 बार स्काई लिफ्ट पर सवार राणा घोष और उनके साथी प्रभाकर वर्णवाल ऊपर गए। उसके बाद रेस्क्यू में राणा घोष, लड्डू अभिजीत राज, विकास विजय सिंह और अभिनव सक्रिय रहे। कब ये आप देखे थे? हम तो परसों देखे थे। परसों देखे तो उसके बाद? इसके बाद इन्फॉर्म किया गया था। अच्छा, राणा घोष को जानकारी मिली थी। राणा जी को जानकारी मिला कि कल शाम से फंसा हुआ है एक परिंदा, उन्होंने आकर देखा। उसके बाद देखने के बाद अंधेरा हो चुका था, निकालना संभव नहीं था, इसलिए राणा जी दोबारा से कल आज 12 बजे दिन से लगे रहे। अलग में आकर 4 घंटे के बाद ना 4 घंटे के बाद ये यहाँ के ऑनर हैं, इनका बहुत सहयोग रहा। क्या शुभ नाम आपका? राजेश। राजेश जी आइए, राणा जी आइए, राणा जी आइए। नमस्कार, मेरा नाम राणा घोष होगा जी और मैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड और पीपल फॉर एनिमल श्रीमती मेनका संजय गांधी का ये ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सहयोग से मैं धनबाद में एनिमल रेस्क्यू करता हूँ। साथ ही ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, डीएफओ सर हैं हमारे विकास पालीवाल सर, उनको मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने तुरंत फॉरेस्टर्स सोनू मंडल जी को और यमुना जी को भेजा और इधर रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने फिर नगर नियम से सहयोग लिया, ये गाड़ी हम लोग को वाहन उपलब्ध कराया। इसके गाड़ी के बिना हम लोग का ये रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि ये बहुत ही टफ रेस्क्यू है। मैंने बहुत सारे रेस्क्यू किए हैं पिछले 8-10 साल से, लेकिन ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था ये मेरा सबसे टफ और हार्डेस्ट रेस्क्यू था, क्योंकि ये हाइट करीब 80-90 फीट का हाइट था और यहाँ कोई चढ़ने का ऑप्शन नहीं था, पेड़ में चढ़ नहीं सकते थे।